So students, we are doing concept of relative velocity or relative speed. Here, this person standing on the ground is observing the person who is walking in the train with the speed of 2 meters per second, and the train itself is moving at 9 meters per second. So I'm asking you a simple thing. This is the person who has started observing this window of the train. After 1 second, how far will be this window? In 1 second, how much will this distance will be traveled by this window? In 9 meters per second, है ना? तो 1 second में 9 meter travel करेगा ना? Yes. Yes, sir. तो वो उस पर्टिकुलर जो भी कोई स्पॉट है ट्रेन पर, वो स्पॉट 9 मीटर चला जाएगा. बट देर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग. अब यहां आपने देखा था खिड़की से, क्या अब भी वो खिड़की में ही दिखाई देगा आपको? वो तो 2 मीटर आगे चला गया होगा ना, वो तो मूव कर रहा है ना. तो वो खिड़की से कितना आगे मूव कर गया होगा बताओ मुझे? 2 मीटर मूव कर गया ना. अब तो मैन यहां है ना. पहले आपने खिड़की से उसको आदमी को देखा, अब वो खिड़की 9 मीटर आगे चली गई 1 सेकंड में. तो मैन कितना आगे चला गया टोटल? 11 मीटर चला गया ना बेटे, है कि नहीं? तो आप मुझे ये बताओ, तो जो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम टेकन. तो ट्रेन की विंडो कितना डिस्प्लेस हुई? 9 मीटर इन 1 सेकेंड. तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 9 मीटर पर सेकेंड जो आपको गिवन है. लेकिन जो मैन, जो पर्सन है, वो कितना मूव किया 1 सेकेंड में? 11 मीटर हो गया ना. 9 तो ट्रेन वेक्टर एडिशन, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन बोथ द वेक्टर्स. सो 9 and 2 ये ट्रेवल किया, तो टोटल कितना हो गया 11. तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. तो ये ऑब्जर्वर होता है, ये कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और इसकी आप वेलोसिटी निकाल रहे. तो कितनी आई वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? पर्सन कितना पहुंच गया यहां से 1 सेकंड में टोटल? 11 मीटर. 9 तो ट्रेन ने पहुंचाया, 2 वो खुद चल के पहुंच गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 11. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये यहां से उल्टा चलने लगे, ठीक है, ये पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? यहां से अपोजिट, तो इसकी कितनी आएगी अगर ये अपोजिट मूव करेगा? तो ट्रेन तो इधर ही है. 7. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ये इस विंडो से 2 मीटर इधर मूव करेगा, तो वो कितना रह गया वो डिस्टेंस? 7 मीटर. तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड, तो अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वो अपोजिट मूव कर रहा है, तो आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड. आगे बात समझ में? तो ये जो सब कुछ हम निकाल रहे हैं बेटा, ये किससे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट से. किससे? डिस्प्लेसमेंट. लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये बहुत सिंपल सी बात है. सपोज ये 2 ट्रेन्स हैं, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो यहां पर इसका गार्ड है इस ट्रेन का, और ये इस ट्रेन का गार्ड है. यहां ड्राइवर है दोनों के, ड्राइवर 1 गार्ड 1, ड्राइवर 2 गार्ड 2. और इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. अब ये कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? ग्राउंड से. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 60, ठीक है. अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, ये डायरेक्शन क्या ले रहे हो? नेगेटिव.
तो +60 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी? -50 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव होगी ना, तो -50 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन टू, यानी कि अब ऑब्जर्वर अब तक ग्राउंड पे खड़ा था दोनों केस में, अब ऑब्जर्वर ट्रेन टू में बैठा हुआ है और ट्रेन वन की खिड़की को ऑब्जर्व कर रहा है वो। आगे बात समझ में? कहाँ बैठा है ऑब्जर्वर? ट्रेन टू में, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ट्रेन वन को। तो उसको वो कितनी स्पीड से जाती दिखाई देगी? सीधा सा हिसाब है, हमने किलोमीटर पर आवर बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18, 5/18. 5/18। तो यहाँ पर 18 3 54 होता है, तो इसको हम ऑलमोस्ट 15 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और ये 4 हो जाएगा तो 20 मीटर, 18 4 72, तो 60 है ये, तो इसको समझ लो कि चलो 18 मीटर पर सेकंड मान लो, इसकी स्पीड 18 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से हमें बात समझ में आ जाती है थोड़ी सी। अब ये ड्राइवर इस ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा है इस ट्रेन के, ठीक है? आगे बात समझ में? तो 1 सेकंड के बाद अब ये तो इसको देख रहा है, 1 सेकंड के बाद ड्राइवर, अब ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है यहां पर, ऑब्जर्वर इटसेल्फ इज मूविंग। तो वो कहां पहुंच जाएगा ड्राइवर वन 1 सेकंड में इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो? 1 सेकंड में 18 मीटर पहुंच जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ और ये 1 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा ड्राइवर डी टू? 15 मीटर। अरे भाई, इसकी ट्रेन की स्पीड 15, दोनों सेम थे, आमने सामने थे दोनों, ठीक है? आगे बात समझ? तो yes. ड्राइवर जो डी टू है, ये डी वन है, मैं यहां से, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये बताओ मेरे को। ये ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, ऑब्जर्वर टू है ना, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? डी वन को। तो डी वन कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट डी वन से? पहले दोनों सेम लोकेशन पे थे, अब उनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया 1 सेकंड में? अरे 15 प्लस 18 नहीं हो गया क्या? ये 1 सेकंड में इधर मूव किया 15 18 से, 18 मीटर पर सेकंड, ये 1 सेकंड में इधर, तो इधर इसने 15 18 मीटर, इसने 15 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 33 meters. 33 मीटर। तो डी वन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है जब डी टू देख रहा है इस समय 1 सेकंड के बाद, तो कितना दूर है उससे वो? 33। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना आया? 33 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? किस डायरेक्शन में है वो, पॉजिटिव या नेगेटिव? डी टू से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है भाई, डी टू से। अरे नेगेटिव बेटे, डी टू जो है ना, ये ओरिजिन समझो इसको आप, ठीक है? ये जो ऑब्जर्वर होता है इसको समझोगे, ये ओरिजिन है। तो यहां से मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +33 या -33? +33. +33। कंसेप्ट समझ आ गया बिल्कुल लॉजिकली। अब अगर ये ट्रेन, ये ड्राइवर डी वन है, ये ड्राइवर डी टू है, अब ये सेम डायरेक्शन मूव करें, इसकी स्पीड वही 18 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड वही 15 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद डी वन कहां पहुंच जाएगा? 18 मीटर पे। 18 meter. और डी टू कहां पहुंच जाएगा? 15 meter. तो ये अब इससे कितना डिस्प्लेस है डी वन जो है वो डी टू से? 3 meter. वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितनी आई? 3 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? ये डी टू है ना, ये टू है ना, ये आपका ओरिजिन है समझ लो, तो इससे किस तरफ डिस्प्लेस है वो? अरे भाई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं ना हम, तो क्या आया? अरे
प्लस या माइनस? बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, ठीक है आपका आंसर। फिर डी टू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से हम जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, डी टू डी वन किस तरफ गया? पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, तो पॉजिटिव हो गया। इज दिस क्लियर? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या हो जाएगी, ये बताओ। चलो अब डी वन ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जर्वर कौन है? वन। तो ऑब्जर्वर से बताओ मुझे अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है। चलो -3 वेरी -3। गुड, क्योंकि अब ये डी वन ऑब्जर्वर है, ये ओरिजिन बन गया आपका, और ये आपका डी टू, तो कितना दूर है ये? -3। वेरी गुड, -3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि वी वन टू इज इक्वल टू -V2 1। इज दिस क्लियर और नॉट? उसी तरह आप यहां भी चेक कर लो, ऑब्जर्वर अगर मैं यहां बना दूं, डी वन को ऑब्जर्वर बना दूं, और वो ऑब्जर्व कर रहा है किसको? डी टू को। तो वेलोसिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं आप? टू की। टू डिस्प्लेस हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? वन। वन वन आपका ओरिजिन हो गया या ऑब्जर्वर हो गया? तो बताओ V2 1 क्या आएगा? -33 वेरी -33 गुड, V2 इज -33 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। बस, तो आपको ना लॉजिकली और इजी तरीके से सोचना, कॉमन सेंस। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट बड़ा आना है तुम्हारे काम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेटिव कंसेप्ट। मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझा दिया है, बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसका फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है? तो फार्मूला कैसे बनेगा ये देखो। ये था आपका V12, ये V12 था ना, आपका आंसर कितना आया? +3। कैसे आया +3? ये था +18, यानी कि V1 की वेलोसिटी है ना, उसमें से किसकी वेलोसिटी आपने माइनस कर दी? V2 की। V2 की कितनी थी? +15। -V2, यही तो किया आपने, +18 माइनस +15, तो आपका आ गया +3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फार्मूला समझ में आया क्या बना? यस सर। अब चेक करके देख लो V21, तो V21 क्या होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई जो पहले लिखा उसमें से दूसरा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आप देखो इसमें V2 कितना आपका? नहीं, -+13 +15 है ना इसी केस में, अभी पहला ही केस कर रहे हैं हम, ये वाला ही केस कर रहे हैं जब सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। -V1 कितना है? -18 नहीं, +18 प्लस है ना, दोनों प्लस है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो 15 माइनस कितना आ गया? -3 मीटर पर सेकेंड। सही है ना अपना आंसर ये? तो ये फार्मूले से भी समझ में आ गया आपको, और लॉजिकली भी डिस्प्लेसमेंट निकाल के समझ में आ गई बात। अब बताओ कोई डाउट है आपको? आप अपनी फाउंडेशन बुक में देखोगे तो पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9, तो वहां पर जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट जो बॉटम में दे रखा है, तो वहां क्या दे रखा है आप उसको समझते हैं। आपकी बुक में जो फिगर है, ये आपकी बुक में फिगर है, दिस इज ए कार ए एंड दिस इज कार बी। ओके, बहुत बहुत छोटा लिख रखा, नहीं पता लगा ए कौन सा बी कौन सा, बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव है, इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी +V है, इसकी वेलोसिटी +VB। तो मुझे बताओ VAB कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? VAB, VA
माइनस वीबी। क्लियर? अरे यही तो लिखा ऊपर सर। फॉर्मूला, वी टू वन, वी टू माइनस वी वन, वी वन टू है तो वी जो पहले लिखा है उसको पहले लिखो, जो बाद में लिखा उसको। डन। अगला, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, अब किस डायरेक्शन मूव करें दोनों? ए इस तरफ मूव कर रहा है और बी इस तरफ, तो ए की डायरेक्शन अब क्या हो गई? माइ ए तो प्लस ही है, प्लस वी है, लेकिन वी की क्या हो जाएगी? माइनस वी भी हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि बी इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारा ये डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन माइनस। ओके, सर तो अब मुझे बताओ वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है? प्लस वी ए। वी बी क्या है? माइनस वी बी। अरे हाँ या ना? सर तो क्या हो गया? वी ए प्लस वी बी। यानी कि जब ट्रेन्स ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज, उनकी स्पीड, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। बात सही है, बिल्कुल ऊपर हमने किया था, यही तो किया था। जो सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी तो स्पीड्स क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। इस सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी तो उनकी स्पीड ऐड हो गई थी, 33 आ गया था टोटल, 15 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से इधर 15 चली गई, ये 15 इधर, ये 18 इधर, ये 15 इधर, तो टोटल आ गया था हमारा 33। और जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उसका साइन लगा दो। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ आ गई? तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन स्पीड्स, स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ओपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? एडिड। तो ये बात थी स्पीड की, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी ऐड होती है, डायरेक्शन भी आ जाती है। तो आप इसको जो कंसेप्ट को समझ गए? यस। तो इसके साथ अब हमारा चैप्टर वन, इस चैप्टर वन जो आपकी बुक से मोशन, वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने पहले भी किए होंगे, अब आपकी ड्यूटी है इसको खत्म करो, इनके क्वेश्चन आंसर्स को, समझ रहे हैं? और जो आपको नहीं समझ आए आस्क इट टू मी। ओके सर। हाँ, तो अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियरिटी आपको बढ़ती जाएगी, लेकिन डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट जरूर पूछो। ओके, अब लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। और इससे ग्राफ कैसे बनेंगे, एक बार ग्राफ देख लो। और थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल लिखना देखना, आपको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखने का क्या तरीका है, तो अब थोड़ा मैथमेटिकल भी देख लो। बात वही है, थोड़ा मैथमेटिकल वे में कैसे लिखने का ढंग, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है। ये आपके आपके स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और वो मूव कर रहे हैं विद एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। ओके, से अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, नाउ जो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों पोजिशन ओरिजिन ही है, ये भी ये ओरिजिन है, तो एक्स ए भी यहीं पर ही है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए भी यहीं है और ऑब्जेक्ट बी दोनों ही ओरिजिन पर है। तो एट इसकी वेलोसिटी ए है, वी ए है, और दूसरे की वी बी है, तो टाइम टी पर वो कहाँ पहुंचेंगे? एक यहाँ होगा जिसकी कम होगी, और जिसकी ज्यादा होगी वो यहाँ होगा, है कि नहीं? सपोज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो ए कहाँ होगा भाई टी टाइम के बाद? यहाँ पर। और बी कहाँ होगा? बी की तो कम है, वो पीछे रह जाएगा। चले दोनों सपोज वी ए है
5 मीटर पर सेकंड, वी बी है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसने तो 5 ट्रैवल कर लिया ना, इन्हें तो 5 मीटर, और इसने कितना किया 4 मीटर। तो इस तरीके से आप समझ लिया करो, थोड़ा सा एज्यूम कर लिया करो बेटा। हाँ, तो एक्स ए एट टाइम टी कैसे लिखोगे, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, मान लो यहां 1 सेकेंड एट टाइम टी, तो कैसे लिखा आपने, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, भाई डिस्टेंस ही तो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 0 पर कहाँ थे वो, और अगर 0 पे आप 0 ही हो, अगर एक्स ए एट टाइम 0, ये टाइम है टी इज इक्वल टू 0, एक्स ए एट टाइम ये लिख रखा ना टी, तो एक्स ए एट टाइम 0 कहाँ था, 0, तो अगर आप 0 पर हो तो ये बन जाएगा एक्स ए एट टाइम टी इज इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। उसी तरीके से एक्स बी एट टाइम टी ये कहां पर होगा, एक्स बी एट टाइम 0 एंड देन वी बी एट टाइम टी। जैसे इसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो कहां पहुंच गया 5 मीटर। एक्स पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी कितना हो जाएगा, वी बी टी, तो वी बी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 4 मीटर। आई कुछ बात समझ में, यस सर, डॉक्टर। ये तो 0 मीटर है ना। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी बताओ मुझे कितना होगा, तो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये है ऑब्जर्वर ए ठीक है, और किसकी डिस्प्लेस किसकी पोजीशन बी की, तो ये है भाई आपका बी और ये है ए, तो यहां से ए से बी किस तरफ डिस्प्लेस हुआ ये आप देख लो, तो ये क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी, समझ रहे हैं, माइनस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी, तो कितना आ जाएगा, बी की पोजीशन कितनी है, अरे +5 है ना, सॉरी बी की पोजीशन कितनी है +4, बी की स्पीड 4 है ना, +4 माइनस, और ए की पोजीशन क्या बेटे, +5, वेरी गुड +5 मीटर, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर कितना आया -1 मीटर। तो आप समझ गए, अब आप खुद देखो ए ऑब्जर्वर है तो बी उससे कहां किस तरफ है -1 मीटर। तो लॉजिकली मैथमेटिकली हाउ विल यू राइट इट, आप समझ गए इस बात को या नहीं समझे, तो एक्चुअली हमने क्या किया है, एक्स बी माइनस एक्स टी, ये दो इक्वेशंस थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, हमने दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दिया ठीक है, तो क्या आया एक्स बी 0 माइनस एक्स ए पोजिशन ऑफ ए एट टाइम 0 प्लस बाई दिस माइनस दिस प्लस वी ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मल्टीप्लाई टाइम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी टाइम। ओके, स्टूडेंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको, हाँ तो देखो इसको, स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने, हाँ बेटा कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं मैं।
तो यहां से ये क्या हो गया, तो यू कैन टेक आउट टी एस टी कॉमन, तो टी यहां से कॉमन ले लोगे, तो इनटू ओके। ओके तो ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे, ये आपकी वेलोसिटी हो गई v, ए बी ओके। ओके सर। ये स्टूडेंट्स हमने आप बी माइनस ए लिखा है, ये हम एक्स बी माइनस एक्स ए कर रहे हैं, तो दिस ये इनके साइन माइनस होंगे ओके। तो यहां गलती से हमने लिखा, ये यहां बी आएगा और यहां ए आएगा ओके। ये देखो ना बी माइनस ए कर रहे हैं ना, तो यहां नीचे भी इसलिए क्या आएगा, वी बी ए ओके। तो वी बी ए इज इक्वल ओके टू वी बी माइनस बी ए। तो मेन जो कहानी है वो किसके डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा एक्स बी ए एट टाइम जीरो, तो वी बी ए इंटू। स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया कंसेप्ट, सर। तो इसीलिए तो रिलेटिव डिस्टेंस अगर आएगा, ये रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशन डिपेंड करेगी रिलेटिव वेलोसिटी पे ओके। अब इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, सो लुक हियर, ये है पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी क्या इक्वली आप देख रहे हो, यहां डिस्प्लेसमेंट है यहां टाइम है, तो इनका स्लोप क्या बताएगा आपको, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, तो स्लोप क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। तो आप देख रहे हो दोनों स्लोप सेम है, क्यों, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो बोथ द एंगल्स आर सेम, तो स्लोप क्या होता है टेन थीटा भी होता है। तो दोनों का स्लोप जो है क्या है सेम है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। यहां देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल आप देख रहे हैं इसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, देख रहे हैं आप बी ये एंगल थीटा और ये एंगल फाइव, कौन सा एंगल ज्यादा है, ये ए वाला ना, ये ज्यादा ढाल है ना ए का, और बी का ढाल कम है, तो ए का ढाल ज्यादा यानी कि ए की वेलोसिटी ज्यादा है ओके। तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है तो शुरू में उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या थी, टेन थी ना, और 3 सेकंड पर क्या हो जाएगी, दोनों जो है सेम पोजीशन पे आ गए। तो ये इनका टाइम ऑफ मीटिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए हैं कई पहले भी। तो स्टूडेंट्स दिस इज देयर मीटिंग टाइम, क्या यहां पर इनकी वेलोसिटी सेम हो गई है मीटिंग टाइम पे, मीटिंग टाइम पे क्या चीज सेम होती है स्टूडेंट्स, क्या
स्पीड सेम हो जाती है मीटिंग पॉइंट पे। मीटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? दो पॉइंट्स, जब दो दो लाइन ये आपने मीट की तो यहां कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमेशा 2, 3 है, मान लो कुछ भी हो सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? यस तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं ना मीटिंग पॉइंट पे बेटे। सर, तो यस यहां भी मीटिंग पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कोऑर्डिनेट आपका टी और वाई कोऑर्डिनेट आपका पोजीशन। तो यहां पर सेम टाइम सेम पोजीशन हो गई यहां पर, ये है मान लो पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पर टाइम एंड पोजीशन एक एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम पोजीशन हो जाती है। ओके, स्पीड सेम नहीं होती। स्पीड तो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है और ए की ज्यादा है और बी की, इसीलिए बी जो है ये ओरिजिन से, ए जो है वो 10 मीटर पे था और ये 40 मीटर पे था। कौन? बी और ये ए। लेकिन ये था टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ये भी 70 मीटर और ये भी 70 मीटर, दोनों दोनों ए और बी दोनों दोनों कहां पहुंच गए? 3 सेकंड में 70। तो बी उसकी स्पीड आप बताओगे मुझे कितनी थी? फटाफट, 1 सेकंड का काम है ये, 40 से 70 पहुंच गया 3 सेकंड में। तो स्पीड ऑफ बी कितने थी बेटे? 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो गई? 40 से 70, 30 ट्रेवल किया 3 सेकंड में। और स्पीड ऑफ ए कितनी आई जल्दी से बताओ? 10 से 70, 3 सेकंड में। 20 मीटर वेरी गुड, 60 ट्रेवल किया 3 सेकंड में, 60/3, 20 मीटर पर सेकंड। आ गया कंसेप्ट समझ में स्टूडेंट्स? तो इसका स्लोप डबल है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लोप ऑफ वी ए, स्लोप ऑफ ए इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ, ओके स्टूडेंट्स? अच्छा, तो अब है पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अब? ऑपोजिट। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेंगे? अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो एक की स्पीड अगर पॉजिटिव है, एक की स्पीड पॉजिटिव, तो बी की क्या हो जाएगी? नेगेटिव नहीं हो जाएगी क्या अपोजिट डायरेक्शन में? बिल्कुल ऐसे बैठे, बिल्कुल एकदम। ए कहाँ था? 10 मीटर पर, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ए की पोजिशन एट टी इज इक्वल टू 0। और बी कहाँ था बेटा? 40 मीटर, ठीक है कि नहीं? और 1 सेकंड में 35 पे पहुंच गए दोनों, ठीक है? तो बी 35 पे कैसे पहुंचेगा बताना मुझे? इसका मतलब बी किस तरफ मूव करा बेटे? नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पहुंच गए 35 पे। तो बी की स्पीड कितनी आ गई? माइनस, अरे 1 सेकंड में -5 मीटर पर सेकंड आ गई। और ए की कितनी आ गई? ये तो प्लस डायरेक्शन जा रहा, कितनी आ गई है कि स्पीड +25 मीटर पर। तो डरने क्या जरूरत है, गलत ही तो हो जाएगा, लेकिन बोलो जरूर, ठीक है ना? गलत पे भी सीखोगे सही पे भी। तो दोनों स्पीड समझ में आ गई। तो आप देख रहे हो एक की -5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की +25। तो स्लोप आप देख रहे हो, ये स्लोप क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और जो पोजिशन है, इट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। और आप देखो कितने सेकंड में ओरिजिन में पहुंच जाएगा वो बी जो है, 4 सेकंड में।
ये हमने 35 नहीं 30 स्टूडेंट्स एक्चुअली, ये यहाँ ना 20 और 40 का मीट 30, तो 30 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकंड बी की, और इसकी कितनी हो गई 20, ठीक है। हाँ तो 4 सेकंड में आप देखो बी जो है वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, क्लियर। और ये कहां पहुंचेगा 4 सेकंड में बताना मुझे, ए ए कहां पहुंच जाएगा, देखो एक्स, आप ध्यान देखो एक्स बी निकालना है ना आपको, तो एक्स बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्स बी एट टाइम 0 प्लस वी बी इंटू टी, याद आ गया, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि पोजिशन एट टाइम टी क्या होती है, पोजिशन एट 0 प्लस दिस, हाँ या ना। तो पोजिशन ऑफ बी कितनी थी, बी की पोजिशन 0 पे 40 मीटर, यस, प्लस आप आपको कितने सेकंड में निकालनी है, मान लो कितने सेकंड में निकालना चाहते हो, 4 सेकंड में, तो वी भी कितना है, -10 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 4 सेकंड, तो कितना आ गया 40 -40 डेट इज इक्वल टू 0। आई कुछ बात समझ में, थोड़ी बहुत। उसी तरीके से एक्स ए एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्स ए एट टाइम 0 प्लस वी ए टी, तो बताना मुझे एक्स ए एट टाइम 0 कितना था, जल्दी बोलो, 10 मीटर +10 मीटर, वेरी गुड। प्लस वी ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए भाई 10 से 30 पहुंच गया ना 1 सेकंड में, हाँ 20, वेरी गुड, 20 मीटर पर सेकंड इंटू कितने टाइम के लिए ले रहे हो, 4 सेकंड में, यस सर तो इंटू 4, तो कितना आ गया बताना, 10 प्लस 10 प्लस 80 मीटर, तो कितना है टोटल, ये 4 सेकंड था तो 98, नाइन तो इसकी पोजीशन +90 है, तो देखो यहां से अब ये +90 मिलेगा, आ गया कुछ समझ में, समझ में बात कुछ आ गई। अच्छा चलो, तो अब हम निकालना चाहते हैं रिलेटिव पोजीशन 4 सेकंड में, तो एक्स बी ए मतलब हम ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं है, ऑब्जर्वर कार ए में बैठा हुआ है, दोनों समझ रहे हैं बात, फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था इस केस में, ग्राउंड, ग्राउंड वाज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ए, ओके, ऑब्जेक्ट ए, क्लियर, याद है ना क्या आया था, तो एक्स बी ए एट 0 प्लस वी बी ए एट इंटू टी, हाँ या ना, और एक्स बी ए एक्स बी माइनस एक्स ए एट टाइम 0, यस, प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी, याद आ गया कुछ, तो मान लो 4 सेकंड के बाद आपने निकाला कि भाई, या 1 सेकंड में निकाल लो पहले, तो एक्स एक्स बी कहां था 40 पर, माइनस एक्स ए कहां था +10 पे, प्लस वी बी कितना है -10, वी ए कितना है +40 इंटू टाइम 1, तो कितना आ गया 40 -10 प्लस -10 -40 कितना आया, -50 आ गया ना, तो कितना आया, दिस इज इक्वल टू 40 -60 डेट इज इक्वल टू -20 मीटर्स, तो आप बताओ बी बी जो है वो कहां पर है, ये देखो ए सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन कहां है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए भाई 0 आना चाहिए,
पोजिशन ऑफ बी 1 सेकंड के बाद, कोई मिल गए ना दोनों 1 सेकंड के बाद, तो दोनों पोजिशन सेम पोजिशन पे आ गए, तो ठीक है। पहले उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 30, और अब उनके बीच का डिस्टेंस किस किस हिसाब से रिड्यूस हो रहा है, -10। वी भी -10 है, अरे वी ये तो +20 है ना, ये 40 क्यों लिखवा दिया, +20 है ना बेटे वी ये तो, +20 है, गलती से 40 लिखा गया, तो क्या हो गया ये 40 -10, और -10 -20 -30, ओके, तो -40 -40 तो कितना आया 0 मीटर, यानी कि दे आर एट द सेम पोजिशन। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट कॉमन सेंस लॉजिक, आप बात को किधर से भी घुमा लो फिरा लो, ओके हो गया डन। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू पैरेलल रेन ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ये दो रेल ट्रेन ट्रैक हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। अब एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे आप, इस डायरेक्शन से बहुत पॉजिटिव मान लिया तो ये साउथ डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और इसकी स्पीड है 54, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, +54 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी साउथ की तरफ मूव कर रही है, तो ये टी ए क्यों लिख रहा हूं मैं, वी ए, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए +54, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी बताओ कितनी हो जाएगी मुझे, 90 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी साउथ डायरेक्शन में, बोलेंगे नहीं बिल्कुल, -90। वेरी गुड, -90, तो -90 इज द वेलोसिटी एंड 90 इज द स्पीड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, मान लो दोनों सेम जगह थे, तो ए ए जो है वो 1 आवर में पहुंच गया 54 किलोमीटर, और बी जो है वो पहुंच गया 90 किलोमीटर, तो ये है बी ये है ए। अब ए जो है वो आपको ऑब्जर्व, ए ऑब्जर्वर है, यहां से मेजर करो बी कहां पर है, वेयर इज बी, वेयर इज बी, ए से और कितनी कितनी दूर है और किस तरफ है, 144 है ना, 144 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो कितना आ गया, -144 किलोमीटर पर आ गया, नहीं आ गया। अब आप फॉर्मूले से भी देख लो, ये तो किया आपने लॉजिकली, लॉजिक लगा के, अब फॉर्मूले से देखो, वी बी माइनस वी ए, ये एल्जेब्रिकली, तो वी बी कितना आपका -90, माइनस वी ए कितना है +50, तो -90 -54 -144 किलोमीटर पर, आई कुछ बात समझ, अच्छा चलो, तो सेकंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ, अब इसमें एक पार्ट है कि जो ट्रेन बी में बैठा हुआ है वो खिड़की से बाहर देखने लग गया, तो उसे ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी दिखाई दी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो मैं बी में बैठा हुआ हूं, ये ग्राउंड है मेरा, ग्राउंड तो वही है जहां रहेगा, लेकिन 1 घंटे बाद बी कहां पहुंच गया बी तो यहां पहुंच गया, 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने ग्राउंड से इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट जो है, अब बी ऑब्जर्वर है, तो 1 घंटे बाद उसे जी कहां दिखाई देगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी,
इस ऑब्जर्वर को जी कहां दिखाई देगा? अरे भाई इसको बी से जी जाओ ना, बी से ऑब्जर्वर जी कहाँ है? बी से जी प्लस प्लस 90 माइनस 90, प्लस नहीं, अरे बी ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है, ये ओरिजिन आपका, तो जी की लोकेशन कहाँ है भाई? आप अपवर्ड जाना पड़ेगा, तो क्या है प्लस 90, सही बता रहे थे तुम, कॉन्फिडेंस रखा करो, सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या थी? -90। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर ओरिजिन है, अब जो आपका गिवन है कि ग्राउंड यहां ओरिजिन है, तो एक घंटे में बी कहां चला गया? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड से, तो बी कहां चला गया, किस डायरेक्शन में? -90 किलोमीटर पर। तो वही बात आ गई ना स्टूडेंट्स, वी बी जी इज इक्वल्स टू माइनस वी जी बी। मैंने आपको बताया था पहले भी, और फिर दोबारा ध्यान से लो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर इक्वल करके और बीच में नेगेटिव साइन आता है, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ओके हो गया, आ गई बात समझ? और यस सर। इस क्वेश्चन थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये एक मंकी है विच इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ये थी हमारी ट्रेन ए जो इस तरफ जा रही है, ये ट्रेन बी जो इस तरफ जा रही है। ट्रेन मंकी रूफ ऑफ ट्रेन ए, और ये है मंकी हमारा, और इट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी विच इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 18 किलोमीटर पर आवर, कितनी है? हाँ, लेकिन ये किसके, तीन चीजें हैं, तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास यहाँ पे, एक ग्राउंड, एक कोई ए में बैठा हुआ भी देख सकता है, कोई बी में बैठा हुआ भी देख सकता है, कोई ग्राउंड में खड़ा हुआ भी देख सकता है। मेन चीज है वेलोसिटी ऑफ मंकी किसके रेफरेंस में, ऑब्जर्वर कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। समझ में आई कुछ बात? तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? चलो दोनों ही बता दो तुम, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी भी बता दो, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बता दो। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? पहले आप ये निकालोगे ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये दोनों जो हम लिखते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में? चाहे आप सिर्फ वीएम लिखो, चाहे आप इसको वीएम लिखो, ये इस जैसे आपने सिर्फ टू लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? आगे प्लस है। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से आपने लिख दिया सिर्फ वी ए, तो इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आ गई बात समझ में? यस। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मंकी है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ ए कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 18, उसकी स्पीड अप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मंकी? अगेंस्ट इट्स मोशन, इस डायरेक्शन, अगेंस्ट द मोशन। तो इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये 18? नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? -18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? हाँ ये देखो, प्लस 54, ठीक है, प्लस 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे तो जाके आ जाएगा प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी? 54 माइनस 18, दिस इज इक्वल्स टू 36 36 किलोमीटर पर आवर, प्लस 36 किलोमीटर पर आवर। तो कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसे मंकी। हमने आज के दिन की शुरुआत भी यहीं से की थी, इसी कंसेप्ट से कि एक आदमी ट्रेन में मूव कर रहा है, वो 2 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसे बाहर से आदमी क्या दिखाई देगा? वही चीज यहां पर है, ये मंकी है, ये आपकी ट्रेन है, और मंकी जो है वो अगेंस्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन इस तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो कोई इंसान ग्राउंड पे है यहां पर, उसे जो है ये मंकी किस स्पीड से उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इसके रिस्पेक्ट में? तो किस स्पीड से होगी? अगर सेम डायरेक्शन में होती तो मैंने बताया था ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट। याद आ गई बात? तो सबट्रैक्ट हो गए, क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था आज का। और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी क्या होगी? अब मंकी भी साउथ में जा रहा है और बी भी साउथ में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? तो मंकी भी साउथ में और ट्रेन भी साउथ में, तो क्या हो जाएंगी दोनों की स्पीड? ऐड होंगी नहीं होंगी? तो आंसर कितना आएगा भाई? वो -90 है, वो -18 है, तो -108 आ जाएगी मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। यस और नो करके देख लो। वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -18, नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी सॉरी आपने लिखी ये नहीं, वो हमने 18 गलत ले लिया था स्टूडेंट्स, वो अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो 18 नहीं है, मंकी की कितनी है? 36। तो मंकी इस तरफ आ रहा है 36 से, और ट्रेन आ रही है कितने से? ट्रेन भी 90 से, तो -90 -36 -126 हो जाएगा, ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी अभी निकाला है -36 किलोमीटर पर आर, और ट्रेन मूव कर रही है माइनस, ओहो ट्रेन कितने से मूव कर रही है? -100, ओ सॉरी कितना है? -90। थोड़ा थोड़ा हाल अननेसेसरली कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है, लेकिन एक इंसान इसी में बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है मतलब ये दूसरी ट्रेन में बी ट्रेन में बैठा हुआ है और वो मंकी को ऑब्जर्व कर रहा है, मंकी ट्रेन ए में है, तो ये कितना हो जाएगा? -36 +90। तो हम इस ट्रेन को कंसिडर नहीं कर सकते, जो बंदा बैठा है वो इस ट्रेन में और इस तरफ जा रहा है, हम गलत कह रहे हैं, दोनों ट्रेन में ये दोनों सेम उसमें जा रहे हैं, तो उसका तो वो एक अलग वो क्वेश्चन आई नहीं, क्योंकि मंकी इधर आ रहा है और हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ बैठा है? बी में। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं हम मामले को अननेसेसरीली, कंसेप्ट हमें पता है क्या कहानी, एक बार दोबारा से देखते हैं। हाँ क्या कहानी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ
ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है स्टूडेंट्स +36, हम -36 लिख रहे थे, ये गलती था हमारा। ये क्या, ए की स्पीड हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसकी तो -36 ही आएगी ये। सर VMG गलत है, -54 हाँ VMG गलत है, आएगा। -54। यस सर, -54 -18। ओके वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है -18। वेलोसिटी ऑफ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मोशन के अगेंस्ट मूव कर रहा है और अगेंस्ट द मोशन मूव कर रहा है, तो ये जो है ये यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्शन हमने कुछ उल्टी पुल्टी कर दी है। VMA वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -18 लिखा हमने, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू -18 ठीक है इज इक्वल्स टू VMG। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी इज मूविंग से माइनस और प्लस माइनस होता 54 -18, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 36 आ गया हमारा, +36। हाँ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए मंकी इज 18 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी तो 36 इज करेक्ट। अब हम क्या लिख रहे हैं, ये कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा मंकी को, मंकी अगर इधर मूव कर रहा है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन है तो ये नेगेटिव होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, कुछ हम रीड करने में गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बी नेगेटिव डायरेक्शन में है ठीक है, एंड मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए बिल्कुल ठीक है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। +36 ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई चीज है जो क्लिक नहीं कर रही है, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आल्सो, ओके यू कैन आल्सो थिंक अबाउट इट फाइन। ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। Gracias.